लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए पावर प्लांट गुरुजी को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको पावर प्लांट गुरुजी में। दोस्तों, आज हम लोग टर्बाइन का एक तो मेन पार्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। वो मेन पार्ट्स है स्टेजेस, यानी कि स्टीम टर्बाइन में स्टेजेस किसको कहते हैं। तो चलिए जानते हैं। स्टीम टर्बाइन स्टेजेस, जनरली स्टीम टर्बाइन का जो मेन पार्ट्स है वो दो ठो है। एक ठो है केसिंग और एक ठो है रोटर। केसिंग को हम लोगों स्टार्टर भी कहते हैं। ये जो केसिंग और स्टार्टर, ये जनरली स्टील या फिर कास्ट आयरन का जो हाउसिंग है उसको, उसमें ये बनाया जाता है। या कास्ट आयरन हाउसिंग होता है या फिर स्टील या कास्ट आयरन का हाउसिंग होता है, कौन, केसिंग या स्टार्टर। अच्छा, अभी हम लोग जानेंगे केसिंग में या स्टार्टर में फिक्स ब्लेड, टर्बाइन का जो फिक्स ब्लेड है वो रहता है और नोजल रहता है, और रोटर में क्या रहता है, मूविंग ब्लेड। हुआ, टर्बाइन का केसिंग दो भाग में पार्टीशन होता है। अगर मैं रफली बनाऊंगा टर्बाइन का केसिंग, तो बीच में हॉरिजॉन्टल डिवाइड होकर रहता है। ये हो गया आपका अपर पार्ट, ये हो गया लोअर पार्ट। ये बोल्ट द्वारा टाइट होकर रहता है। ये जो फ्लांज जॉइंट है, बोल्ट द्वारा फ्लांज जॉइंट होता है, क्योंकि इसी जो अपर पार्ट है, हम लोगों ने इसको इजीली रिमूव कर पाए जब ओवरलोडिंग होता है उस समय। अगर मैं रफली स्टार्टर को बनाऊं, सॉरी, अगर मैं रफली रोटर को बनाऊं, तो रोटर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो धीरे धीरे बढ़ते ही जाता है। तो रोटर का स्टार्टिंग में इम्पल्स स्टेज रहता है, फिर रिएक्शन तो हम लोगों का क्वेश्चन है कि जो स्टेजेस किसको कहते हैं टर्बाइन में। देखिए, ये मैं रफली बना रहा हूँ, ये हो गया आपका रोटर। अभी मैं यहाँ पे एक ठो बनाऊंगा स्टार्टर, मैं रफली बना रहा हूँ, इसको आप ध्यान से समझिएगा, ड्राइंग को मत कुछ
तो ये हो गया आपका स्टार्टर यानी कि केसिंग। तो केसिंग में जो है वो आपको मैं बोल चुका हूँ, ये फिक्स ब्लेड और नोजल, और रोटर में जो है वो मूविंग ब्लेड है, मूविंग ब्लेड है। अब पहला जो रहता है वो इम्पल्स टर्बाइन। अच्छा, इसको इम्पल्स स्टेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्टेजेस अभी हम लोग जानेंगे, स्टेज किस किस को कहते हैं। देखिए, मूविंग ब्लेड प्लस आपका फिक्स ब्लेड, ये दोनों का कॉम्बिनेशन को टर्बाइन का स्टेज कहते हैं। आपने सुने होंगे टर्बाइन 32 स्टेज, 43 स्टेज, 31 प्लस 1, 42 प्लस 1। इसमें 31 जो है रिएक्शन स्टेज और 1 जो है इम्पल्स स्टेज है। इसमें 43 में 42 जो है रिएक्शन स्टेज और 1 जो है ये इम्पल्स स्टेज है। इम्पल्स स्टेज क्यों रहता है टर्बाइन में कम रहते हैं, इसके बारे में मेरा ऑलरेडी वीडियो है, आप देख सकते हैं। देखिए, अभी ये हो गया फिक्स ब्लेड और ये हो गया मूविंग ब्लेड, ये रोटर में है, ये मूविंग ब्लेड, ये दोनों का कॉम्बिनेशन को स्टेज कहेंगे। जैसे यहाँ पे ये हो गया फिक्स ब्लेड और ये हो गया मूविंग ब्लेड, ये दोनों एक स्टेज 1 स्टेज 2, ये दोनों का कॉम्बिनेशन स्टेज 3, ये दोनों का कॉम्बिनेशन स्टेज 4, ये दोनों का कॉम्बिनेशन स्टेज 5। इसी तरह मूविंग ब्लेड और फिक्स ब्लेड का कॉम्बिनेशन को टर्बाइन में स्टेजेस कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा कि स्टेज किसको कहते हैं। यदि आप इसी तरह वीडियो लाइक करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो रहता हूँ दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।